हाय फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं मोहम्मद कंप्यूटर यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं MySQL इंस्टॉलेशन ऑन अ लिनक्स उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें टर्मिनल को स्टार्ट करना है, तो यहां पे हम लिखेंगे टर्मिनल। ठीक है, हमारा ये टर्मिनल हम स्टार्ट करते हैं। टर्मिनल में हमारा जो कुछ भी प्रॉम्प्ट होगा उसमें हमें लिखना होगा sudo मतलब के सुपर यूजर, apt डैश गेट मतलब कि हमें कुछ इंस्टॉल करना है, उसके लिए हम इंस्टॉल, और हमें क्या इंस्टॉल करना है तो हमें इंस्टॉल करना है MySQL सर्वर। एंटर देंगे तो हमारा जो कुछ भी एडमिन अकाउंट है मेरा, उसका हमें पासवर्ड इंसर्ट करना है। पासवर्ड जब हम टाइप करेंगे लिनक्स में तो बट ओबीएस से हमें वो दिखेगा नहीं, मतलब कि जो विंडोज़ का जो फॉर्मेट होता है। नीड टू गेट यहाँ पर आप देख सकते हैं 9.5 MB ऑल नियर अबाउट डाउनलोड होगा, और यहाँ पे 94 MB डिस्क स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा। मैं यस कर देता हूँ यहाँ पे इंस्टॉलेशन को कंटिन्यू करने के लिए। जो कुछ भी रिक्वायर्ड फाइल है यहाँ पे आप देख सकते हैं। MySQL क्लाइंट कहाँ चली गई, इतनी देर में वो डाउनलोड होके आगे चली गई। MySQL क्लाइंट यहाँ पे देख सकते हैं, वो भी साथ में ये डाउनलोड हो गया है। MySQL क्लाइंट डाउनलोड इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ हमारे सिस्टम पे ही हमें जो कुछ भी क्लाइंट ऐप होगी वो क्वेरी एग्जीक्यूट करनी होगी। हमारा यही पीसी एज अ क्लाइंट वर्क करेगा, यही पीसी हमारा एज अ सर्वर तरीके एक्ट करेगा। 44% ऑलरेडी डाउनलोड हो गया है। लिनक्स में वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। MySQL की जो पूरी सीरीज में हम ऑलमोस्ट पूरा MySQL कवर करने की कोशिश करेंगे, फ्रॉम द वेरी बिगिनर टू प्रोजेक्ट। सपोज हमें डेवलप करना है एंटरप्राइज लेवल का, तो क्या क्या हमें कमांड्स उसके लिए रिक्वायर्ड होंगे। बेसिक तो 3 कमांड हम शायद कवर नहीं कर पाएंगे, जैसे कि एक ऑडिट रिलेटेड कमांड्स होता है, उस लेवल तक हम शायद कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऑलमोस्ट हम जो सभी कमांड्स होते हैं, DDLL आता है, DEML आता है, उसे यहाँ पे हमारी स्क्रीन आई है पासवर्ड एंटर करने की। जो MySQL का डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है रूट, उसका हमें क्या पासवर्ड रखना है वो पे यहाँ पे हमें एंटर करना है। तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों सेम, ज़्यादा याद ना रखना पड़े इसलिए। रूट उसी पासवर्ड को हमें रिपीट करना है रूट। ठीक है, ये हमारा जो सेटअप हो गया, अब ये कॉन्फ़िगरेशन सब कंप्लीट हो रहा है, अनपैकिंग हो रहा है। थोड़ी देर में हमारा जो कुछ भी नॉर्मल टर्मिनल का जो प्रॉम्प्ट था वो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा, और फिर हम हमारे MySQL को स्टार्ट कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाइंट का जो कुछ भी था वो कॉन्फ़िगर हो गया यहाँ पे, और जो कुछ भी सर्वर था वो कॉन्फ़िगर हो गया है। अब हमारा जो MySQL सर्वर है वो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग प्रोसेस 62223, ये हमारा प्रोसेस आईडी है MySQL का। ठीक है, ये पोर्ट नंबर नहीं है। अब हमारा जो कुछ भी सेल है वो हमारे पास अवेलेबल है। एक बार हम यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं, और यहाँ पे हमें लिखना है MySQL, एंटर देंगे तो हमें मैसेज आएगा एक्सेस डिनाइड फॉर द यूज़र मोहम्मद, क्योंकि हमने यूज़र नेम और पासवर्ड MySQL सर्वर के लिए क्या है वो हमें पासवर्ड नहीं किए। तो MySQL सर्वर को स्टार्ट करने के लिए एक्चुअल हमारा जो कमांड होगा वो क्या होगा, MySQL माइनस यू फॉर द यूज़र रूट माइनस पी करके मैं एंटर दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे वो मुझे पासवर्ड पूछ रहा है, यहाँ पे पासवर्ड है मेरा रूट, एंटर किया। देखिए यहाँ पे हमारा जो कुछ भी प्रॉम्प्ट है वो आ गया। यहाँ पे देखेंगे यहाँ सो डेटाबेसिस, हमारी जो कुछ भी डेटाबेसिस है वो अवेलेबल हो गई। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो में कुछ भी अगर आपने नया सीखा है या जाना है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वर्क अप्रिशिएट कीजिए, तभी मुझे मालूम पड़ेगा कि आप मेरा कौन सा वर्क पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।